today's online session for accountancy standard 12, chapter number 6, retirement of a partner. Till now we have solved the question number 12. Coming to question number 13. L, B and W are partners having profit and loss in the ratio of 2:2:1. Balance sheet is given to you. W retired on 1/4/16. Terms of retirement were decided as under. Okay. Market value of building is 50,000. Building is given to you 37,000. Skip value will be 15,000. So 13,000 is divided by building 13,000. Our building value will be 50,000. Building over here 50,000. Book value of stock is 10% more than its cost. Stock is to be recorded at the cost. स्टॉक आपको देखे रहता है 5500, ये 10 टका बढ़ा के दिया हुआ है, तो मतलब ये 110 पे दिया हुआ है. सो 110 पे 5500 है, तो 100 पे कितना? तो 5500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110, तो इट विल बी 5000. मतलब स्टॉक की वैल्यू 500 रुपए कम हो गई. टू स्टॉक इट इज 500. अब मेरे स्टॉक की वैल्यू हो गई 5000. Personal expense of W rupees 500 debited to profit loss. W का personal expense था जो मैंने goods से profit loss पे ले लिया. ठीक है, मतलब मैंने goods से expense बढ़ा दिया. अब expense क्या होगा? मतलब मुझे W के पास से पैसा लेना है. By W's capital 500 लिखते हैं यहाँ पे to revaluation personal expense W की column में 500. Goodwill of the firm is valued at 80,000. L will gain 5/40, B will gain 3/40 from W sale of profit. Goodwill आपको दिया हुआ 80,000, उसमें से W का हिस्सा है 1/5, 2:2:1, तो 16,000. Gain rates of quality देखे रहता है 5:3, तो L is capital debit, B is capital account debit to W is capital account. तो debit side पर to W's capital bracket में goodwill L के अंदर 10,000, B में 6,000 यहां पे by L's capital bracket में goodwill by B's capital bracket में goodwill W के कॉलम में 10,000 एंड 6,000. अमाउंट ड्यू टू W इज पेड इन कैश एंड द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन बाय एल एंड बी इन सच अ मैनर दैट द कैपिटल विल रिमेन इन द न्यू प्रॉफिट लॉस साइड बेस्ड इन द न्यू फर्म. जो भी लास्ट मुझे अमाउंट पे करना है W को मुझे कैश में पे करना है. एल और बी वो पैसा लेके आएंगे, इस तरीके से लेके आएंगे वो पैसा कि उनका तो कैपिटल तो बचता है, बैलेंस शीट में तो पैसा बचता है, वो भी यहाँ पे न्यू रेशियो में सेटअप यहाँ पे करना पड़ेगा. ओके, तो उनका न्यू रेशियो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. ओल्ड था 2/5, उनको गेन हुआ 5/40 का, न्यू आ गया 21/40 एल का. बी का ओल्ड था 2/5, गेन हुआ 3/40, तो उसका आ गया 19/40. तो जो भी यहाँ पे बैलेंस कर लोगे, जो अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए वो हम सेट करेंगे 21:19 के रेशियो पे. चलो ये टॉपिक तो लास्ट में वैसे भी क्लोज होगा, पहले ट्रांसफर कर लेते हैं. बाय बैलेंस brought down 20,500, 5,000. General reserve is given 5,000. By general reserve 2,000, 1,000. Old ratio में बांट देंगे. Creditors 20,000, operating expense 3,000. Creditors outstanding expense 20,000 and 3,000. उसके बाद goodwill देख रहे थे बॉक्स में, तो यहां बांट देते हैं goodwill. goodwill की अमाउंट आपको देख रहे थे 8,000, बांटना है 2:2:1 में 3,200, 1,600. बिल्डिंग हो गया है, debtors 13,000, स्टॉक हो गया है, debtors 13,000, स्टॉक हो चुका है,
कैश आपको दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000, क्लोज करते हैं 13,500, टू पार्टनर्स कैपिटल LBW 13,000 का पार्टनर 5200, 2600 बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 5200, 2600, ओके। अब W को बोला जाए 5 + 15, 15 + 6, 21, 22, 22 + 2, 24,600 उसमें से 2100 गया, ओके 1600 गया तो पहले 22,500 इसने तो बोला है कैश लेके जाऊंगा बाय W's कैपिटल। अब ये वाला जो कैश मुझे पे करना है ये कैश ये दोनों लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे मुझे ये नहीं पता, कौन कितना अमाउंट लेके आएगा मुझे ये नहीं पता है, बोला नहीं है मुझे अभी, बट मुझे ये बोला कि ये दोनों अमाउंट लेके आएंगे, इसको पे करना है ये दोनों लेके आएंगे, ओके ये पॉइंट बाकी है। प्लस जो इनका बैलेंस कैटन बचेगा, जो इनका बैलेंस कैटन बचेगा वो भी यूनिवर्सिटी में सेटअप करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस कैसा कर लेते हैं 20,000 + 2, 22, 27,200, ओके 27,200 में से हम माइनस करते हैं 13,200, ओके तो अमाउंट आएगा मेरा 14,000, तो एल का बचा 14,000। जरा ध्यान से आप देख लेना एल का बचा है 14,000, बी का 12,500 + 2,000, 14,500, 19,500, 19,700 में से मैंने माइनस किया 9,200, तो रेमेनिंग अमाउंट इज 10,500, तो बी का आया 10,500, ठीक है ये बैलेंस कितना आया, लेकिन ये 22,500 की ये लोग लेके आएंगे, ओके तो W पे लिख देता हूं 22,500, कौन कितना लेके आया ये नहीं बताऊ, प्लस कर लेते हैं 14 + 10, 24 + 22, 46, 47,000, इसका टोटल आया 47,000, जो कि मुझे बांटना है L और B में इन द रेशियो ऑफ 21:19 में बांटना है मुझे अभी, सो इंटू 24,675 और 22345, 24,675 L का, प्लस कर लेते हैं इसको यहां पे, जैसे मैंने इसको प्लस किया टोटल अमाउंट मेरा आ रहा है 37,875, इसका टोटल अमाउंट आया बी का मेरा 31,525, 37,875, 31,525, इसमें से मैंने माइनस किया तो जो भी वो पैसा लेके आएगा ऐसा बोला कि दोनों अमाउंट लेके आएंगे, ओके तो 10,675 ये लेके आता है, इसमें से ये सब लेस किया तो 10,675 ये लेके आया और 11,825 ये लेके आया, आप इन दोनों अमाउंट को प्लस करो यू विल गेट द अमाउंट 22,500, ये क्रेडिट है तो यहां पे डेबिट है 12 एंड टू बी अमाउंट 10,675 और 11,825, इसको प्लस किया 24,500, 2000 बैलेंस कैरिड डाउन ओवर टू ईयर कैश
2000 कैपिटल एल और बी 24675 और 22325 प्लस किया बाहर 47000 47 प्लस 20 दैट इज 67 प्लस 3 दैट इज 70000 टोटल इज 70000 50 प्लस 5 55 55 प्लस 15 दैट इज 70000 वापस एक बार समझा दूं मैं पहले क्या करना है इसको मुझे कैश पे कर देना कैश पे कर दिया सिंपल उसके बाद ये अमाउंट ये दोनों लेके आएंगे कौन कितना लेके आएंगे नहीं पता था एक तो ये पता नहीं था प्लस ये जो बैलेंस बचेगा वो भी रेशियो पे रखना है न्यू रेशियो तो मैंने क्या किया इनका पहले कंट्री बैलेंस मैंने फाइंड कर लिया जो कि एल का है 14000 बी का है 10500 ओके और 22500 इन दोनों को लेके आना है कैसे लेके आना ये नहीं पता तो मैंने 22500 बीस में एड कर दिया हो गया 47 न्यू रेशियो में एड किया उठाया मैंने यहाँ पे लिख दिया बन गया मैंने कैपिटल ठीक है फिर क्लोज किया डिफरेंट अमाउंट जो भी है बिकॉज 22500 तुमने एक्स्ट्रा एड कर दिया ना कौन कितना लेके आया यही बात है मैंने एक्स्ट्रा एड कर लिया तो ये 22500 का हिसाब आ गया कि भाई एल लेके आएगा 10675 और बी लेके आएगा 11825 उठा के मैंने कैश लेवल पे लिख दिया क्लोज किया कैश बैलेंस ट्रांसफर सम कर लिया ओके टू ट्राई टू सॉल्व द सम अगेन एंड अगेन As I told you, in each and every sum, you will get a different point for capital or for goodwill. Okay, so two points are which you have to pay attention to. There is nothing else. So keep on practicing the sums again and again. These are the very important sums which we are solving till last 3-4 lectures. Which adjustment in terms of capital you have given, that you got to solve it very carefully. Okay, because exam mein most probably wahi hai chances puchne ke liye. So better be keep on practicing the sums again and again. In a different style, I have explained you once again the same sum. So go through it, watch the video till the end. Revise the sums again and again. Whatever sums we have solved in the previous lectures, okay, keep on revising that particular sums even. Okay, then only you will be the master of this particular chapter of retirement. Even death is pending, till we are going for retirement itself. Death is a concept. तो पहले आप रिटायरमेंट का कंसेप्ट प्रॉपरली कर ले प्रैक्टिस करते रहे मेरे साथ साथ ओके एग्जांपल्स करना है एग्जांपल्स भी आप देखते रहिए इन केस इफ यू फील लाइक यू आर हैविंग एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द इलस्ट्रेशंस यू कैन व्हाट्सएप मी अप ओके एंड आई विल सॉल्व यू द डाउट्स एज एंड व्हेन आई विल बी फ्री ओवर ओके कॉलिंग टाइम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिटवीन 5 to 6 PM ओके सो वॉच द वीडियो टिल द एंड थैंक यू ऑल Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for Standard 12th Accountancy, Chapter number 6, Retirement of a Partner. Till now we have solved up to question number 12. Question number 13, L, B and W are partners of a firm setting profit and loss in the ratio of 2:2:1. Balance sheet of the firm as on 31/3/16 was as under. You are given with balance sheet liabilities at capital, LBW, general reserve, creditors, outstanding expenses. Assets at given with goodwill, building, data, stock and cash. W retired on 1/4/16. W ka hissa kitna tha? 1 upon 5. LBW, W ka hissa 1 upon 5. W retired on 1/4/16. Terms of retirement were decided as under. मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की है 50000 बिल्डिंग आपको देखे रहेगा 37000 अब उसकी वैल्यू हो गई 15000 प्रॉफिट ऑफ 13000 ओके सो लिखना है रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे बाय बिल्डिंग 13000 देन एसेट साइड बिल्डिंग 50000 देन नेक्स्ट बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस तो बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक की वो 10% बढ़ा के देके रखिए मतलब 110% पे देके रखिए तो क्या करना है अब स्टॉक दिया 5500 डिवाइड बाय 110% तो आपको मिल जाएगा 5000 मतलब 500 रुपये आपके स्टॉक की वैल्यू कम हो गई सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 500 एंड एसेट्स पे लिखना है स्टॉक 5000
Personal expense of W, ₹500 was debited to profit and loss account. अगर कुछ याद आता हो तो एडमिशन में भी यही किया था. पर्सनल एक्सपेंस था, भूल से मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो फर्म वापस लेगी बिकॉज ऑफ पर्सनल एक्सपेंस पार्टनर के खुद का है, फर्म का तो नहीं था कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया जाए. तो फर्म को वापस से पैसे मिलेंगे और पार्टनर्स के लिए वन टाइप की ड्राइंग्स कहलाएगी है. तो लिख दो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में पर्सनल एक्सपेंस बाय डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में पर्सनल एक्सपेंस अमाउंट 500. सेकेंड इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में पर्सनल एक्सपेंस डब्ल्यू के कॉलम में 500. नेक्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹80,000. डब्ल्यू का हिस्सा है 1/5. 80,000 का 1/5 करेंगे तो अमाउंट आएगा मेरे यहाँ पे 16,000. इसने आपको ऑलरेडी दे के रखा है. नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिए, एल विल गेन 5/40 एंड बी विल गेन 3/40. मतलब गेन रेशियो आपको दिया है 5:3. ओके, सो एंट्री क्या आएगी, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू इज कैपिटल अकाउंट. W का गुडविल कितना आया 16,000, उसको बांटना है आपको 5:3 में. मतलब L's कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू W's कैपिटल अकाउंट 16,000. एंट्री पास कर ले, फिर हम उसकी पोस्टिंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिख दो टू W's कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल to W's capital account bracket में goodwill, L में 10,000, B में 6,000. credit side पे लिखो by L's capital account bracket में goodwill, by L's capital account bracket में goodwill, W के column में 10,000. Then, by B's capital account bracket में goodwill, W के column में 6,000. Then, amount due to W is to be paid in cash and the same amount will be brought in cash by L and B in such a manner that the capital may remain in the new profit and loss sharing ratio in the new firm. बहुत important, बहुत ज़्यादा important. समझ लेते हैं पहले करना क्या है. W को मुझे पे करना है कैश में, पहला क्लियर. ओके, अब कैश बैलेंस हो कि नहीं हो को फर्क नहीं पड़ता, उसने बोला मुझे कैश ही चाहिए. एंड द सेम अमाउंट, वो पैसा आप L और B लेके आएंगे. इस तरीके से लेके आएंगे कि उनका कैपिटल जो है ना, जो लास्ट में बचता है ना बैलेंस कैरिड डाउन, वो भी उनका न्यू रेशियो में रह जाए. ओके, तो मुझे तो मतलब इन शॉर्ट यू कैन से न्यू रेशियो में फाइंड यहाँ पे करना पड़ेगा. राइट, न्यू रेशियो में फाइन करना पड़ेगा, तो फाइन कर लेंगे बाद में. चलो पहले हम सब ट्रांसफर कर लेते हैं. कैपिटल ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. एल में 20,000, बी में 12,500 और डब्ल्यू में 5,000. जनरल रिजर्व वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर 2000, 2000, 1000. Old ratio है 2:1. Creditors लिख दो liabilities में 20,000. Outstanding expense लिख दो 3,000 liabilities में. गुडविल बांट दो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पर टू गुडविल. तीनों तीन पार्टनर बांटना है मुझे 2:1 में. मतलब 3,200, 3,200, 1,600.
बिल्डिंग हो चुका, डेटर्स लिख दो एसेट्स में 13,000, स्टॉक हो चुका, कैश लिख दो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000, ओके चलो पहले आप न्यू रेशियो फाइंड करते हैं. एल विल गेन 5/40 एंड बी विल गेन 3/40 फ्रॉम डब्ल्यू सेल. डब्ल्यू का कितना था 1/5 इंटू 5/40 वन अपॉन फाइव मिल रहा था प्लस उसको मिलेगा इंटू 5/40 करेंगे तो 1/40 आ गया. बी का 1/5 इंटू 3/40 पहले चलो रेशियो फाइंड कर लेते, देख लेते पहले रेशियो कैसे फाइंड. ओके हम डायरेक्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सीधा गेन रेशियो देखे रखा है, गेन देखे रखा है. तो एल को पहले मिल रहा था 2/5 प्लस 5/40 सीधा कर दो 2/5 प्लस 5/40 एल से हम 40 का लोगे तो आंसर आएगा 21/40. एल का न्यू रेशियो आ गया 21/40. बी का भी 2/5 था ओल्ड प्लस 3/40 करोगे तो बी का आ जाएगा तुम्हारा आंसर 19/40. बी का तुम्हारा आंसर आ जाएगा 19/40. ठीक है अब क्लोज करते हैं पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को. क्लोज करते हैं पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को. न्यू रेशियो क्या आ गया 21:19. रीवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं. रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड ज़्यादा है 13,500 और डेबिट साइड ओनली 500. ओके तो डेबिट पे आपका बैलेंस बचेगा. टोटल लिख दो 13,500 ऑन बोथ द साइड. टोटल लिख दो 13,500 ऑन बोथ द साइड. 13,000 बचेगा डेबिट पे. लिख दो वहां पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट LBW 13,000 को बांटना है 2:1 में. सो एल के सामने 5,200, बी के सामने 5,200 और डब्ल्यू के सामने 2,600 इनर कॉलम में लिखना है. यू ऑलरेडी नो कैसे लिखना होता है. आउटर कॉलम में 13,000. ट्रांसफर कर दिया उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट. एल में 5,200, बी में 5,200, डब्ल्यू में 2,600. ओके अब पहले डब्ल्यू को भगाते हैं. डब्ल्यू का टोटल करोगे आपको मिलेगा डब्ल्यू में कॉलम में अमाउंट आपको दिख रही है 5,000, 1,000, 2,600, 10,000 और 600. दैट इज 24,600. डब्ल्यू का टोटल आपको मिलेगा 24,600. टोटल लिखो डब्ल्यू में ऑन बोथ द साइड 24,600. इसमें से डेबिट में माइनस करोगे 1,600 और 500 तो आपको मिलेगा 22,500. और यहाँ पे ऐसा बोला गया कि W बोलता है मैं कैश में लेके जाऊँगा तो लिख दो कुछ नहीं डेबिट साइड पे लिख दो पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश अकाउंट W में 22,500. ओके अब उसके बाद कैश में लिख दो क्रेडिट साइड पर बाय W's कैपिटल 22,500. उसको मैंने कैश पे कर दिया. ठीक है अब आराम से सुन लेना. अब मैं बी को प्लस करता हूँ. अब मैं बी को एल और बी को प्लस करता हूँ. एल को मैंने प्लस किया. एल के पास जो मैं अमाउंट आपको दिख रहा है 20,000 प्लस 2,000 प्लस 5,200 दैट इज 27,200 और डेबिट में दिख रहा है आपको 3,200 और 10,000 ये माइनस करेंगे तो एल में अमाउंट आया
14,000 बैलेंस क्रेडिट होना भैया आया 14,000 लिखना नहीं है, सिर्फ सुन लो ठीक है। एल का बैलेंस क्रेडिट होना भी कितना आता है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है उसका आया 14,000। सेम वे बी का फाइन करता हूँ 12,500 प्लस 2,000 प्लस 5,200 12 प्लस 2 14 प्लस 5 19,700 माइनस उसके डेबिट में दिया हुआ 3,200 और 6,000 माइनस 9,200 तो बी का बैलेंस कैरी डाउन दिख रहा है 10,500 राइट। ये दोनों का बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट है। यहाँ पे कंडीशन में देखो ऐसा लिखा है कि अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू एस टी पेड इन कैश, उसको तो मैंने कैश पे कर दिया एंड द सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन बाय कैश बाय एल एंड बी। वो पूरा पैसा मतलब 22,500 ये पूरा अमाउंट एल और बी लेके आएंगे ठीक है। तो 22,500 इनके बैलेंस कैरी डाउन में अगर हम ऐड कर दें, इनका बैलेंस कैरी डाउन कितना आया था एल का 14,000 बी का 10,500 प्लस 22,500 बिकॉज लेके आएंगे तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 22,500 टोटल आ गया मेरा 47,000। ये जो आया टोटल मेरा 47,000 ये होगा मेरा बैलेंस कैरी डाउन इन दोनों का मिला के, ये होगा मेरा बैलेंस कैरी डाउन इन दोनों को मिला के। तो 47,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो न्यू रेशियो पे दैट इज 21:19 में, जरा चेक करके देखो कितना आता है 47,000 कैसा आया। एल का बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट दिख रहा है 14,000, बी का अमाउंट है 10,500 और डब्ल्यू को पे करना है 22,500, वो दोनों को लेके ही आना है। लेके आना मतलब क्रेडिट में अमाउंट आने वाली है, कौन कितना लेके आएगा ये पता नहीं है बट दोनों को ही लेके आना है ऐसा बोला गया है। तो मैंने उनके बैलेंस कैरी डाउन में 22,500 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो 47,000 आया। 47,000 को बांटो आप 21:19 में तो आपको अमाउंट मिलेगा, एल का अमाउंट आएगा 24,675 और बी का अमाउंट आएगा 22,325। ये हो गया मेरा बैलेंस कैरिड डाउन। लिख दो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे 3-4 लाइन छोड़ने के बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, 3-4 लाइन छोड़ने के बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन एल में 24,675 एल में और बी में 22,325 उठा के लिख दो इसको लायबिलिटीज में कैपिटल एल और बी, इनर कॉलम 24,675 एल के सामने और बी के सामने 22,325 प्लस करके आउटर कॉलम में 47,000 ओके। अब क्लोज करते हैं एल और बी को वापस से। अब देखो आपका डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा दोनों का ठीक है। डेबिट में एल का टोटल आता है डेबिट में आप देखो 37,875 लिख दो एल में टोटल दोनों तरफ। अब लिखो टोटल एल में 37,875 चेक कर सकते हो आप अपने हिसाब से। अब क्रेडिट के फिगर को माइनस करो, कितना था क्रेडिट का फिगर 27,200 आप माइनस करो तो आपको मिलेगा 10,675 लिखे क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट। क्रेडिट साइड पे लिख दो पार्टनर्स कैपिटल में बाय कैश अकाउंट एल में 20,675 बी को प्लस करें, बी का डेबिट आप प्लस करें तो अमाउंट मिलेगा 31,525 अमाउंट मिलेगा 31,525 इसमें से क्रेडिट को माइनस करो तो आपको अमाउंट मिल जाएगा 11,825 बाय कैश के सामने इसमें लिख दो बी में 11,825। अगर आप इस दोनों अमाउंट को प्लस करोगे ना यू विल गेट द अमाउंट 22,500 जो मैंने वहां पे एक्स्ट्रा ऐड किया था ना याद है, डब्ल्यू को जो पे करना था जो हमने इसके बैलेंस कैरी डाउन में ऐड किया था वो देखो 22,500 था जो ये दोनों इस तरीके से लेके आए ठीक है। अब इसकी एंट्री ट्रांसफर कर दो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टू एल्स कैपिटल अकाउंट 10,675 टू बीस कैपिटल अकाउंट 11,825। अगर आउटर में लिख दिया तो आउटर में, इनर में लिखा तो प्लस लिखा आउटर में लिख देना 22,500 ओके। अब कैश को क्लोज करो
टोटल आएगा आपका 24,500। उसमें से क्रेडिट में 22,500 दिख रहा है, तो बैलेंस कैरी डाउन बचेगा 2,000। कैश बैंक में बैलेंस कैरी डाउन आएगा 2,000। ट्रांसफर कर दो इसको असेट्स में, कैश बैंक 2,000। योर बैलेंस शीट टैलीड विद टोटल अमाउंट ऑफ 70,000। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, दो तीन बार हमको आपको सॉल्व करने के रिक्वायरमेंट्स है, तो आपको पता चले कहां से क्या आंसर यहां पे आ रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस ऑन सम बढ़ता रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्रैक्टिस यहां पे करते रहे सम की, जितनी पॉसिबिलिटीज होती है उतनी। ओके, सो विद दिस आई एंड माय टुडेस लेक्चर कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 13। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 14, in which you got to prepare again the four main accounts: revaluation account, partners capital account, cash account and balance sheet. Till that time, have a nice day, stay home, stay safe and keep learning.